नमस्कार, मैं विजेता घोष और आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर रोज कुछ नया सुनने और देखने को मिल रहा है। कल स्क्रूटनी की प्रक्रिया में जहां भागलपुर और नाथनगर विधानसभा से 17 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर बाकी उम्मीदवारों ने अपने चुनावी प्रचार की तैयारी शुरू कर दी है। आज यानी सोमवार को दूसरे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि थी, जिसके बाद प्रचार अभियान तेज हो जाएगा। पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की चुनावी सभा होनी है, जिसके माध्यम से बिहार के कई विधानसभा के मतदाताओं को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में 23 अक्टूबर को भागलपुर के हवाई अड्डा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे, जबकि भागलपुर विधानसभा में जेडीयू के बागी निर्दलीय उम्मीदवार दीपक भुवानिया को भाजपा की तरफ से मनाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी को लेके गोड्डा सांसद और बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने बीते शुक्रवार को अपने फेसबुक पोस्ट पर दीपक भुवानिया को अपना छोटा भाई बताते हुए उनसे नाम वापस लेने की अनुरोध की, साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के लिए समर्थन की बात कही। वहीं इस मामले में आज चुनावी मैदान में उतरे भागलपुर के पूर्व मेयर दीपक भुवानिया ने अपने बड़े भाई का मान रखते हुए चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है और अपना समर्थन बीजेपी के उम्मीदवार रोहित पांडे की तरफ दिखाया। हालांकि नामांकन के पूर्व से ही दीपक भुवानिया चुनाव मैदान में अलग नहीं होने की बात कह रहे थे, लेकिन अब उनके द्वारा नाम वापसी का निर्णय सही मायने में गोड्डा सांसद और बड़े भाई निशिकांत दुबे के अनुरोध के कारण है या पूर्व मेयर को किसी और बात का भय है, इसको लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।